हेलो, अस्सलाम वालेकुम. दिस इज़ डॉक्टर अरूबा और मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी ऑन हाउ यू कैन क्लियर प्लैब वन इन 2 मंथ्स एंड दैट टू इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. अब प्लैब वन की जर्नी का मतलब ये है कि आप यूके जाना चाह रहे हैं एज अ डॉक्टर, राइट? तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपने क्लियर करने होते हैं. आप समझ लें, आपके पास 3 स्टेप्स हैं और आपने ये 3 स्टेप्स को क्लियर करना है. अगर आपने ये 3 स्टेप्स क्लियर कर लिए, फिर आपको GMC की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है एंड देन यू हैव टू वेट फॉर अ जॉब. अब मेरा पर्पस इस वीडियो का सिर्फ आपको ये समझाना है कि आप प्लैब वन किस तरह क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों के अभी प्लैब वन का एग्ज़ाम आने वाला है. मैंने अपना प्लैब वन अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है, बट ये वीडियो शो ऑफ के लिए बिल्कुल नहीं है. ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग से किसी और की मदद हो सकती है तो आई वुड लव टू हेल्प यू. पहली बात ये है कि अगर आप फाइनल ईयर MBBS में हैं, सो मेक श्योर कि आप निकलते ही फौरन अपना IELTS का या OAT एग्ज़ाम क्लियर कर लें, ठीक है? अगर आपने अपना IELTS या OAT क्लियर कर लिया है तो फिर आपने अपनी प्लैब वन की सीट बुक करनी है. जब आप सीट बुक कर रहे होते हैं, आप लोगों को पता होगा बहुत मुश्किल है सीट बुक करना, बिकॉज सीट्स अवेलेबल ही नहीं होती प्लैब वन की. मगर अगर आपको सीट मिल गई है तो गो कंग्रेचुलेट योर सेल्फ, बिकॉज ऑनेस्टली सीट्स इतनी कम हैं कि अब हर किसी को नहीं मिलती. जिस दफ़ा जैसे ही मेरा IELTS का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, मैंने अपनी प्लैब वन की सीट बुक की थी और उस दिन मैं बाहर खाना खाने गई थी और प्रॉपर सेलिब्रेट करने को, तो सीट मुझे पता था कितनी मुश्किलों से मिली थी. अब प्लैब वन के ऊपर आ जाते हैं. देखिए, मैंने प्लैब वन जो है वो अराउंड 4 मंथ्स पढ़ा था, बट मैं उस वक्त हाउस जॉब कर रही थी तो 2 महीने मैं सही से नहीं पढ़ पाई थी. जो मैंने सही प्रॉपर जो कहते हैं ना कि पढ़ाई करना, लाइक सुबह उठ के आप पढ़ने बैठो और एंड तक आप पढ़ते रहो, दैट वाज ओनली पॉसिबल इन फॉर 2 मंथ्स, ठीक है? सो 2 महीने मैंने गौर से पढ़ा है. उसके अलावा मैं जॉब के साथ पढ़ रही थी. जॉब में नाइट ड्यूटीज़ भी होती हैं, इमरजेंसी ड्यूटीज़ भी होती हैं, आपको इवन 36 आवर शिफ्ट्स भी करनी पड़ती, जो मुझे सर्जरी में करनी पड़ रही थी. तो मैं प्रॉपरली अपना टाइम नहीं दे पा रही थी पढ़ाई को, बट मैंने प्रॉपर टाइम जो दिया था वो मैंने अराउंड सिर्फ 2 महीने दिया था. तो मैं आपको ये समझाती हूँ कि अगर आपके पास 2 महीने हैं और आप क्लियर करना चाहते हो एग्ज़ाम, तो आप कर सकते हो. ये स्टेप्स हैं जो मैंने फॉलो किए थे, बट ये स्टेप्स जो हैं ये मेरे लिए इन्होंने काम किया है. ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए करें. मैं सिर्फ अपना शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया था. आप उसके अकॉर्डिंग अपने अपने हिसाब से, अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से, अपने IQ के हिसाब से इसको आप मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये थी कि मैंने प्लैबेबल जो जेम्स होते हैं, मैंने प्लैबेबल की ऐप खरीद ली थी. तो आप खरीद लें अगर आपने ख़रीदना है. मैंने मेड रिविजन भी ख़रीदा था और मैंने प्लैब कीज़ भी खरीदी. सारे सीनियर्स ये कहते हैं कि अगर आप एक सोर्स से पढ़ लो काफ़ी है, आपको ज़रूरत नहीं है और सोर्सेज की. मगर मेरा ये था कि आई वॉन्टेड टू लीव नो स्टोन अनटर्न वाली जो बात है, आई डिड नॉट वॉन्ट कि मैं बाद में रिग्रेट करूँ कि यार मैं इससे पढ़ लेती, यार मैं उससे पढ़ लेती. सो आई मेड श्योर कि मैं तीनों से ही पढ़ लूँ. अच्छा, अब इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. कुछ लोग आपको कहेंगे कि ये गलत है, बट दिस इज़ व्हाट वर्क्ड फॉर मी, ठीक है? मैं इस तरह की बच्चों के, मुझे बार बार रिपीटेशन से चीज़ें याद होती हैं. अगर आप मुझे एक दफ़ा बता देना कि ये मैं भूल जाती हूँ, उसको बार 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 करना पड़ता है, रिवाइज बार बार सुनना पड़ता है. तो मेरे लिए ये पैटर्न बहुत अच्छा रहा. व्हाट आई डिड वाज, मैंने सबसे पहले प्लैबेबल का जो ऐप है मैंने वो डाउनलोड की, ठीक है? अब प्लैबेबल के ऐप के अंदर उसके जेम्स होते हैं विच आर काइंड ऑफ नोट्स, और दूसरे होते हैं सवाल, ठीक है, हर चैप्टर के. मैं करती ये थी, मैं प्लैब कीज़ उठाती थी, प्लैब कीज़ से पूरा चैप्टर के नोट्स बनाती थी, उसको याद करती थी, ठीक है? फिर मैं वही चैप्टर जो है प्लैब जेम्स से एक दफ़ा गो थ्रू करती थी, और कोई पॉइंट मिस होता था तो मैं अपने नोट्स में लिख लेती थी. अच्छा, बहुत सारे लोग नोट्स बनाते हैं, बहुत सारे नहीं बनाते. मैंने थ्रू आउट नोट्स बहुत ज़्यादा बनाए हैं. आपने प्रॉब्ली देखे ही होंगे, या ये पिक्चर है इसमें आपको नजर आ रहा होगा, मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स बनाए थे, बिकॉज मैं नोट्स के बगैर चीज़ें याद नहीं कर. अच्छा, सो अब प्लैब कीज से मैंने जो है आप समझें, जब पढ़ लेती थी मैं चैप्टर, प्लैबेबल जेम से कर लेती थी, फिर मैं प्लैबेबल के क्वेश्चंस और मेड रिविजन क्वेश्चंस, ये दोनों उस पर्टिकुलर चैप्टर के करती थी. फॉर एग्जांपल आप ले लो कि मैंने क्रिटिकल केयर शुरू किया है, या फॉर एग्जांपल डर्मेटोलॉजी शुरू किया है. तो डर्मेटोलॉजी मैंने पहले कहाँ से पढ़ा, पहले मैंने प्लैबेबल जेम से पढ़ा, पहले मैंने प्लैब कीज से पढ़ा, फिर मैंने दोनों के सवालात क्वेश्चन जो है मैं रिविजन से भी कर लेती थी और प्लैब की भी क्वेश्चन कर लेती थी. अच्छा, ये सब मैंने अराउंड 2 महीने जो मैं जॉब के साथ थी, ठीक है? तो जॉब के साथ ही मैं साथ साथ कोशिश करती कि मेरे होते रहें, ठीक है? बट ये एंड तक नहीं हो पाया, बिकॉज जॉब के आवर्स की वजह से मैं नहीं कर पाती थी.
तो एक महीने में मैंने बैठ के बेसिकली सबसे पहले इन सब को कंप्लीट किया, एक गो थ्रू किया, ठीक है, विच मेंट कि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा बिकॉज बहुत ज़्यादा मटेरियल है। बता दूँ कि बहुत लोग ये कहते हैं कि प्लाप बहुत आसान है और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे मुश्किल लगा था। मुझे, मैं ये नहीं कह रही कि इम्पॉसिबल एग्ज़ाम है या बहुत मुश्किल है, नो, बट इट वॉज नॉट दैट ईजी एग्ज़ाम। लोग कहते हैं कि बेसिक एग्ज़ाम है, बट ऑनेस्टली उसका आपके पास टाइम होता ही नहीं है। मुझे ये चीज़ बहुत चैलेंजिंग लगी थी कि एग्ज़ाम जो मैं दे रही थी, तो आपके पास, आप समझो, बस आपके पास 30 सेकेंड्स होते हैं आंसर करने के लिए। अगर आपको राइट आंसर आता है, आपने पिक कर लिया, ठीक है, अगर नहीं आता तो आप यू के नॉट गो बैक एंड दोबारा, होते ना, पढ़ लो कि यार ठीक था या नहीं था, उसका टाइम नहीं होता, ठीक है। सारे सवाल आपने एक तरफ गो थ्रू करने हैं, जल्दी जल्दी करने हैं, और जब आपका ख़त्म हो जाए देन यू आर डन विद इट, यू कैन नॉट गो बैक एंड चेक योर आंसर्स, एंड आई थॉट दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। तो ये वाली कहते हैं जो रिफ्लेक्स बनाने के लिए कि आपको आंसर आता हो, बिल्कुल परफेक्टली आता हो, इसके लिए रिक्वायर्ड होती है बहुत ज़्यादा एफर्ट, और इसके लिए रिक्वायर्ड होती है काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई। तो मुझे नहीं पता कि जो लोग कहते हैं कि बहुत आसान एग्ज़ाम होता है और हमें तो पता ही नहीं चलता, तो मैं उनके लिए माशाल्लाह ही कह सकती हूँ, बट आई कैन से कि जो एक मेरे तरह के एवरेज बच्चे हैं उनको टाइम लगता है। और मुझे ये एग्ज़ाम, आप समझ लें, अगर टेन इज़ द हाईएस्ट नंबर, आई फाउंड दिस एग्ज़ाम टू बी अराउंड अ 7 और अ 6, लाइक आई वुड से इट इज़ a relatively difficult exam, it's not a super easy exam. क्योंकि अगर आप इसको इस तरह सोचने जाओगे ना कि यार एग्ज़ाम तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पहले अटैम्प्ट में फेल हो गए, बिकॉज दे केप्ट सेइंग कि एग्ज़ाम तो बड़ा आसान होता है। फाइनल ईयर में आई रिमेंबर मैं अपने दोस्तों से बात करती थी, वो मुझे कहते थे यार एग्ज़ाम बड़ा आसान होता है, पता है सब ये कहते हैं कि यू नो यू एस एम बी मुश्किल है, ये बहुत आसान है, एंड आई मीन आई डोंट वांट टू से समथिंग नेगेटिव और बैड, बट मैं उस वक्त भी ये सोचती थी यार पता नहीं, यू नो लाइक एग्ज़ाम की ज़रूरी नहीं है कि वो आसान हो, और क्या पता है मेरा एग्ज़ाम बहुत मुश्किल आ जाए। हर दफ़ा डिपेंड करता है, हर साल एग्ज़ाम नया आता है। आई यूज़ टू थिंक कि क्या पता है मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे उनकी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हो। और मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था अभी मई अटैम्प्ट, उसमें बहुत लोगों ने कहा कि मुश्किल एग्ज़ाम था, सो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर द लाइक द टफेस्ट एग्ज़ाम दे कुड गिव। मैंने अपने आप को इसी तरह माइंड पे बनाया था, और लोग मेरा बड़ा, लोगों ने मजाक भी इस बात पे बनाया कि यार आप इतना क्यों पढ़ रहे हो प्लाप के लिए। मैं किसी से ये बात किसी को समझा नहीं पाती थी, बट मैं हर एग्ज़ाम के लिए इस तरह ही पढ़ती हूँ कि अगर उनका टफेस्ट एग्ज़ाम भी आए, मतलब उन्होंने उस साल से टफ एग्ज़ाम भी दिया हो, तो मुझे आते हों आंसर्स, दैट शुड ऑलवेज बी माई गोल, एंड दैट वॉज माई गोल। अलहमदिल्ला मैं अच्छे मार्क्स से पास हुई हूँ, आप समझें जो हाइस्ट मार्क्स थे उससे बस एक नंबर मेरे कम है, सो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक इट वर्कड इन माई फेवर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़, अगर आपके अराउंड लोग ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम तो बहुत आसान होता है, आप उसे वेवर्ड ना हो, इतना आसान नहीं है एग्ज़ाम, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इट इज़ लाइक आपको सारे चैप्टर्स जो हैं वो एक ही दिन में आपसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अच्छा, तो करना ये है कि आपने एक दफ़ा सब कुछ करना है, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने प्लैप की प्लेबल एंड मेड्रिविजन, ये तीनों आपने एक दफ़ा करना है। सो दिस मीन्स कि आपको सारा टेक्स्ट भी याद होना चाहिए, आपने सारे सवाल भी किए, और उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, बट करना है तो करना है। मैं अराउंड दिन में 10 घंटे पढ़ती थी मिनिमम, क्योंकि मुझे टाइम लगता था, मैं प्रॉपरली नोट्स बनाती थी, उनको याद करती थी, फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट करती थी, मुझे सब में बहुत टाइम लग जाता था, सो इट वॉज़ लाइक इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, जब आपका ये हो जाए, फिर आपने ये पूरा साइकिल दोबारा करना है, सो फिर डू इट ट्वाइस। तो मैंने ये सारा फिर दोबारा किया था, मैंने फिर प्लैबल पढ़ा था, फिर मैंने प्लैपकीज पढ़ा था, फिर मैंने मेड रिविजन किया था, और फिर मैंने प्लैप के जेम्स किए थे, ठीक है। ये करते करते आपको 2 हफ्ते और लग जाएंगे, ठीक है। सो दिस मीन्स कि एक महीने में आपने फर्स्ट अपनी गो थ्रू करना है, जो उसके बाद के 2 हफ्ते हैं उसमें आपने एक दफ़ा दोबारा से सारा रिवाइज करना है। तो 2 हफ्ते मैं बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी थी सबसे, और मैं सिर्फ कमरे में बैठ के पढ़ती रहती थी। मेरी एक वीडियो भी है जिससे मैंने बताया कि मैं हाउ आई स्टडीड 13 to 14 hours, ये उस टाइम की बात है जब मैं ये सारा रिवाइज कर रही थी, ठीक है। ये 2 हफ्ते में हो गया, अब आपके पास बचेंगे 2 और हफ्ते, ठीक है। जो पहला हफ्ता है, आपने करना ये है कि जितने भी प्लैप के मॉक्स हैं, ठीक है, कुछ होते हैं बिग मॉक्स और कुछ होते हैं प्लैप, जो प्लैप का ऐप है उसके अंदर ही मॉक्स होते हैं, अराउंड आई थिंक 20 थे जब मैंने अपने टाइम पे दिया था, वो सारे आपने अटैम्प्ट करने हैं। आपके पास एक हफ्ता होगा, आपने सारे मॉक्स अटैम्प्ट करने हैं। जब आप ये सारे मॉक्स अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं और आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं। अब इन मॉक्स में अगर आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं,
डोंट वरी, ठीक है, आपने ट्राई करना कि आपके 75% से ऊपर आए, ठीक है सर। इस टाइम पे मैं, मुझे लगता है कि जो मैंने बहुत अच्छी चीज़ ये की थी, मैंने ना एक वो बनाया था लाइक नोट पैड, उससे मैंने लिखा था गोल्डन वर्ड्स, ठीक है। गोल्डन वर्ड्स का मतलब ये था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी इस तरह की चीज़ मैंने क्वेश्चन पे पढ़ी और मुझे लगेगा कि इंडिकेट कर रहा है ये आंसर होगा, मैं उस तरह लिख लेती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कुछ सवाल में आपने पढ़ा है ना कि GCS जो है वो लेस देन 8 है, तो आप क्या करोगे, आपने फ़ौरन इंट्यूबेट पे ही आंसर मार करना, तो इट हैज़ टू बी दैट क्विक, लाइक आपको फ़ौरन आंसर्स कनेक्ट करने आने चाहिए, बिकॉज इफ़ यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन इवेल्यूएटिंग, आप टाइम मिस करोगे, आप टाइम मिस करोगे, आपके क्वेश्चन मिस होंगे। एवरीथिंग इन प्लैब इज टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग। अगर आपका गोल होना चाहिए कि बाय द एंड आप 40 सेकेंड्स में आंसर को आप अपना आंसर निकाल लो हर सवाल का, इफ़ इन 40 सेकेंड्स यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन, देन यू नीड टू कीप रिवाइजिंग टिल यू कैन आंसर द क्वेश्चन इन 40 सेकेंड्स, एंड दैट शुड बी योर फाइनल गोल। अच्छा, इफ़ फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल रहा है कि पेशेंट को कजमॉल ब्रीदिंग हो रही है, ठीक है, और वो पूछ रहे हैं कि डिफरेंशियल मतलब मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, तो आपके माइंड में फॉरन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आना चाहिए। अगर आपने कजमॉल ब्रीदिंग पढ़ी है और आप सोच रहे हो अच्छा सॉरी दिस इज हाउ आई प्रोनाउंस इट, यू माइट प्रोनाउंस इट यू नो इन अदर मैनर, बट अगर आप ये पढ़ रहे हो और आपको आंसर दिख रहा है, तो मतलब आपने क्विकली आंसर करना चाहिए, ठीक है। आपको ABGs आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ECG आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इस जो लास्ट वीक होगा उसमें बस आपको करना है कि अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को रखते हुए उनको रिवाइज करना है, बस जिस चीज़ में आप वीक हो उसको बार बार रिवाइज करते रहो, टू मेक श्योर दैट यू नो द आंसर। एंड राइट बिफोर द एग्ज़ाम आई अटेम्प्टेड अनदर मॉक, मुझे उससे फ़ायदा ही हुआ था, जो मेरा एग्ज़ाम आई थिंक 2 बजे था और सुबह को जब मैं उठ गई थी मैंने ये किया था कि मैंने अपना पूरा मॉक रिवाइज किया, सॉरी मॉक अटेम्प्ट किया था। मॉक का मतलब है कि एक लाइक मॉक स्टाइल एक एग्ज़ाम पेपर होता है। मुझे उससे फ़ायदा ही हुआ था कि मैं उस टोन में आ गई थी कि अच्छा हाँ लाइक अगर अभी मैं पेपर कर रही हूँ तो मैंने इसी माइंड सेट से अब दूसरा पेपर भी करना है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसको आपने याद रखना है, ट्रिक सिर्फ ये है फिंगर टिप्स पे चीज़ें रखो, ज़रूरी है। एंड रिमेंबर रिविजन इज़ की, रिविजन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अगर आपने चीज़ें दफ़ा रिवाइज की हुई हैं तो एग्ज़ाम के टाइम पे वो सारी बातें आपको क्लिक करती रहेंगी, अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया हुआ तो बहुत आप कंफ्यूज होते रहोगे। अब तक मैंने 5 साल MBBS से लेके अब तक जो बात समझी है ना, एक पहली बात ये है कि हर एग्ज़ाम जो है एक मीडियोकर स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है। It is never made for excellent, yeah, you know, really high IQ students, because every exam is supposed to pass, you know, in like a huge average of students. So that means ke aapke andar capability hai. It's just about recognizing the clue. Har question ke andar, har sawal ke andar clues dete hain. आप बेशक bio ka question, मतलब आप O-levels में भी अगर हो, A-levels में हो, FSC, matric, जिसमें भी हो, हर सवाल के अंदर क्लू हमेशा दिया जाता है, ठीक है। आपने ये करना उस क्लू को पिक करना है। मैं ये करती थी कि मैं सवाल के अंदर ना क्लू को हाईलाइट कर लेती थी कि यार ये क्लू है, अच्छा ये भी क्लू है, अच्छा आंसर ये होगा। हर सवाल मैं शुरू से लेके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर MBBS सारे अल्हम्दुलिल्लाह आई नेवर हैड अ सप्ली, आई नेवर फेल्ड एन एग्ज़ाम, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इट वॉज बिकॉज मैं श्योरिटी के साथ एग्ज़ाम करती थी, मैं श्योरिटी के साथ हर चीज़ करती थी, और ये मैं ट्रिक हर एग्ज़ाम में अप्लाई करती थी। जब भी मैं सवाल पढ़ती हूँ मैं देख लेती हूँ कि ये जो है ना ये लाइक ये क्लू दे रहे हैं, ये क्लू दे रहे हैं, फिर बस मैं मैच करती हूँ आंसर से। एंड अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रिक काम आई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी कहूँ कि पास पेपर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप प्लीज़ पास पेपर्स ज़रूर करो, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि एग्जामिनर्स चाहते क्या हैं, वो व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। इन्हीं बहुत सारी दुआएं आप सबके साथ, ठीक है। अगर आप लाइव एग्ज़ाम देने वाले हो, इफ़ यू थिंकिंग अबाउट इट, तो डोंट वरी, आसान नहीं है एग्ज़ाम, क्योंकि अगर आप आसान समझोगे तो आप सही से पढ़ोगे नहीं, पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो, इस तरह के दुनिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है, तो फिर तो श्योरिटी हो जाएगी ना कि आप क्लियर कर ही लोगे। अगर आसान आ गया तो आपकी ही गुड लक है। सो और मेहनत से पढ़ो, बट जस्ट रिमेंबर दैट हर एग्ज़ाम डूएबल होता है, हर एग्ज़ाम के लिए आपने स्मार्टली काम करना होता है। हार्ड तो करो ही करो, डू वर्क हार्ड, बट ऑल्सो स्टडी स्मार्टली। एंड अगैन मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ, एंड इंशाल्लाह हम सारे अपनी सारी मुश्किलों में साथ साथ निकलेंगे। मैं इमोशनल हो जाती हूँ बातें करते, आई थिंक जब भी जो लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं
वो इस तरह की बात करते हुए बहुत इमोशनल हो जाते हैं। बट मेरी ये दुआ होती है कि जो बच्चा, जो भी इंसान बहुत मेहनत करता है, अल्लाह मियाँ उसको ज़रूर उसका अजर दे, और देते भी हैं अल्लाह मियाँ। मुझे मेरी मामा कहती हैं कि जो है ना, नो मैटर इफ़ यू वर्क वेरी हार्ड, इट अल्लाह मियाँ ऑलवेज ऑलवेज पेज इट ऑफ। एंड मुझे बीच में बहुत लग रहा था कि यार ये तो नहीं हो रहा मेरे साथ, मैं तो बड़ी मेहनत कर रही थी और मेरे साथ तो ऑपोजिट हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। बट अब फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए डिसाइड अपने हिसाब से किया हुआ था, और मैं मतलब छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भाग रही थी, अल्लाह मियाँ के लिए मेरे लिए बड़े बड़े प्लान्स थे, और अब जब वो सामने आ रहे हैं तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा दिल से खुश हूँ। और इसी तरह मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखेगा। आप जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे लिए एक छोटी सी प्यारी सी दुआ कर दिया करें। मुझे बहुत ज़्यादा इस पीस पे बिलीफ है कि कोई अगर इंसान आपके लिए दुआ करता है तो आपको ज़रूर ज़रूर वो लगती है। दुआओं में याद रखिएगा एंड अपना ख्याल रखिएगा। मुझे ज़रूर बताएं कि मैं आप लोगों की किस तरह मदद कर सकती हूँ, किस तरह की मैं और वीडियोज़ बनाऊँ जिससे आपकी मदद होगी। उसके अलावा इंशाल्लाह सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।